बच्चों सपोज फॉर एग्जाम्पल तुमने फिंगर का एक सेल निकाला बाहर, अपने फिंगर का नहीं अपने दोस्त के बॉडी में से उसके फिंगर में से एक सेल निकाला। देखो कैसे ना, अपना बॉडी खराब करने का नहीं, अपने को नीट एग्जाम देना है, दोस्त के बॉडी से एक सेल निकालो विथ परमिशन। वाई परमिशन? बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। ओके, सो सपोज हमने दोस्त के बॉडी में से उसके फिंगर में से एक सेल निकाला। सर अगर वो मना कर देगा तो दो सेल निकालो, दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा ना बेटा। ओके, अब ये सेल दिख रहा है तुमको, ये सेल को हम जूम कर दे, ये बड़ा हो गया। अब फिंगर टिप में जो सेल है उसमें फूड, उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। ये न्यूट्रिएंट्स आया कहां से? यहां तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचा है, आया कहां से? डाइजेस्टिव सिस्टम से, राइट? फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम द न्यूट्रिएंट गॉट ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे टू द सेल विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ योर फिंगर। नेक्स्ट, अब दोस्त के पैर में से एक सेल निकालो बाहर विथ परमिशन। ना पहला परमिशन लेने का, पूछने का, कैन आई रिमूव वन सेल फ्रॉम द टिप ऑफ योर टो? इफ ही सेज नो तो दो सेल निकालो, दोस्ती किया है तो निभाना तो पड़ेगा, राइट? अब उसके पैर में से एक सेल निकालो, उस सेल को जूम कर दे, ये सेल जूम हो गए। अब इस सेल के अंदर ऑक्सीजन है क्या बेटा? हाँ है। अब यहां पे ऑक्सीजन कैसे पहुंचा पैर तक? वो ऑक्सीजन पहुंचा लंग्स से। सो बात क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंच रहा है, उसी प्रकार हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंच रहा है बेटा, सब तरफ जा रहा है। द न्यूट्रिएंट एंड द ऑक्सीजन रीचेस टिल द टिप ऑफ योर फिंगर, टिल द टिप ऑफ योर टो। व्हाट मेक्स दिस कंडक्शन पॉसिबल? दिस कंडक्शन इज पॉसिबल बिकॉज नेचर हैज गिवन अस वेसल्स विच आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। उसी प्रकार प्लांट्स में, ओके, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल बेटा, जमीन के नीचे वो जो भी है वो रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जो भी है बेटा वो शूट सिस्टम। अब जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन है, वैसे ही रूट्स के पास वाटर और मिनरल्स है बेटा। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स है, वैसे ही शूट के पास एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे लीफ, और लीफ फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है बेटा? फूड बनाता है ना। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन शरीर के कोने कोने तक पहुंच रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स बॉडी के कोने कोने तक पहुंच रहा है। दिस कंडक्शन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेसल्स कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। सिमिलरली अब रूट से पानी ऊपर की तरफ पहुंचना चाहिए, प्लांट के कोने कोने के सारे सेल्स को पानी मिलना चाहिए, और शूट ने, लीफ ने जो खाना बनाया है, जो फूड बनाया है, वो रूट तक पहुंचना चाहिए, हर सेल को मिलना चाहिए बेटा। सो इसीलिए कुदरत ने इन प्लांट्स को भी वेसल्स दिया है। दीज वेसल्स आर कॉल्ड एज वैस्क्यूलर टिश्यू, एंड दीज वैस्कुलर टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट्स वॉटर, वॉटर को ऊपर ले जाने के लिए नेचर ने इन प्लांट्स को जाइलम दिया है बेटा, और फूड को नीचे की तरफ ले आने के लिए नेचर ने इन प्लांट्स को फ्लोएम दिया। जिस तरह से कुदरत ने हमको आर्टरीज और वेन्स दिया है बेटा, राइट? दीज आर बेसिक ब्लड वेसल्स। अदर देन दैट वी हैव कैपिलरीज, फिर आर्टरीज में भी आर्टीरियोल्स है, वेन्स में भी वेन्यूल्स है। उसी तरह से बेटा जाइलम और फ्लोएम दो वैस्कुलर टिश्यू है जिसके वजह से कंडक्शन होता है। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर एनाटॉमी ऑफ प्लांट टिश्यूज, ओके, वेयर इन मोस्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस टिश्यूज इन डिटेल। हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में टिश्यूज का क्लासिफिकेशन किया था, प्लांट के कौन से टिश्यूज होते हैं। उसके बाद वाले वीडियो में हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू डिटेल में डिस्कस किया,
उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने हमारे लास्ट वीडियो में जाइलम डिटेल में डिस्कस किया। और बच्चों हम आज के वीडियो में फ्लोएम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आवर इंटेंशन ऑफ दीज लेक्चर्स इज समराइज्ड इन वन सेंटेंस। डू यू हैव इश्यूज विद टिश्यूज, देन फॉलो दिस चैनल योयो बायो। ओके, आज के लेक्चर में फ्लोएम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। सो फ्लोएम क्या करेगा ना, कि फ्लोएम फूड को शूट सिस्टम से ट्रांसपोर्ट करता है रूट सिस्टम की तरफ। ओके, अब ये फ्लोएम का पूरा डिटेलिंग आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेते बेटा। वी विल स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन। फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेप्टोम, और इसको लेप्टोम वाला नाम किसने दिया था बेटा? हैबरलैंड। हैबरलैंड वाज द साइंटिस्ट जिसने फ्लोएम को लेप्टोम का टाइटल दिया। सो फ्लोएम के दो नाम हो गए बेटा, फ्लोएम को तुम बास्ट भी बोल सकते हो और फ्लोएम को तुम लेप्टोम भी बोल सकते हो। अच्छा, फ्लोएम करता क्या है बेटा? फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, वेयर द लीफ इज कॉल्ड एज द सोर्स एंड एंड अदर पार्ट्स आर कॉल्ड एज द सिंक एंड। तो फ्लोएम लीफ से खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी के हिस्सों की तरफ। ओके, राइट। अब मैं है ना दो सिंपल सा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करता हूं बेटा, तू देखते जा ध्यान से। ये ग्राउंड लेवल, लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल बेटा ये एक प्लांट है। ओके, यहां एक लीफ है एंड लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर एक फ्लावर आने वाला है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखो, लेट अस से ये एक और प्लांट है, सपोज ये लीफ है बेटा एंड लेट्स से यहां पर फ्लावर आने वाला है। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? लीफ, राइट। सो लीफ में खाना बनेगा इसलिए लीफ के एंड को सोर्स एंड बोलेंगे बेटा। सो ये इसका सोर्स एंड है, और जिस हिस्से की तरफ खाना सप्लाई किया जाएगा उसको हम लोग सिंक एंड बोलेंगे। अब देखो ये यंग वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट साइज के हिसाब से तुम देख सकते हो ये मैच्योर्ड लीफ है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना इसके पास है, और ये खाना अब ऊपर की तरफ ये इस वाले पार्ट को देगा। सो ऊपर वाला जो एंड है उसको हम लोग बोलेंगे सिंक एंड। अब ये वाला डायग्राम देखो, यहां कहानी उल्टी है ना बेटा, राइट। मैच्योर्ड लीफ ऊपर है, तो ये सोर्स एंड हुआ, राइट, और फ्लावर नीचे की तरफ है तो ये सिंक एंड हुआ। अच्छा, सिंक एंड यानी जिस तरफ फूड सप्लाई किया जाता है। देखो कैसा है ना, वॉश बेसिन, हाँ धोते ना हम लोग वॉश बेसिन में, राइट, उसमें जितना भी पानी जमा होता है अल्टीमेटली सिंक में जाता है, यानी जो होल है उसमें जाता है ना। इंग्लिश में बोलते सिंक हो गया, डूब गया, डूब गया यानी गया ना, यानी जिस तरफ जाओगे उसको सिंक बोलेंगे। सो फ्लोएम क्या कर रहा है, ये इंग्लिश पकड़, सोर्स एंड से जहां खाना बन रहा है वहां से सिंक एंड की तरफ दे रहा है, यानी उस हिस्से को दे रहा है जिसको खाने की जरूरत है। ओके, चलो अब यहां देखो, सोर्स एंड से सिंक एंड, यानी यहां पर फ्लोएम खाने को ऊपर के डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और यहां पर सोर्स एंड ऊपर है सिंक नीचे, यानी यहां पर यह खाने को नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं, पिछले लेक्चर में देखा था हमने बेटा, जाइलम का ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, वेरस ये फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना बेटा, ये ट्रांसपोर्ट कैसा है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट है बाय डायरेक्शनल। इंग्लिश समझ रहे हैं तू, राइट, बाय मीन्स टू, यानी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है।
फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी जा सकता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी जा सकता है, ये निर्भर करता है कि सोर्स एंड किधर है और सिंक एंड किधर है, यानी खाना बनाने वाला सेंटर किधर है और खाने की जरूरत रखने वाला हिस्सा किधर है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लोएम के टोटल देयर आर फोर टाइप्स। ओके, इसके अंदर चार अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं बेटा। ओके, जिसमें से पहले वाले का नाम है सीव ट्यूब्स, सेकेंड टाइप का नाम है कंपेनियन सेल्स, थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज फ्लोएम parenchyma, and the fourth type is called as phloem fibers। चलो फटाफटी ये चारों भी टाइटल याद कर। सर फटाफटी मतलब, फटाफटी मीन्स फटाफट। ओके चल ध्यान दे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब इसमें ना सबसे पहला एमसीक्यू ये बनता है बेटा कि एंजियोस्पर्म्स जो है ना, एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में ऑल फोर टाइप्स आर प्रेजेंट। सो आई एम राइटिंग ऑल आर प्रेजेंट। उसमें ना ये चारों भी किस्म के सेल्स होते हैं बेटा, पहला एमसीक्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। देख मैंने शॉर्ट में लिखा, हम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। इनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होता है बेटा। बदले में सीव ट्यूब्स के बदले में जिम्नोस्पर्म्स में सीव सेल्स होता है बेटा, और कंपेनियन सेल्स के बदले में उनके पास अल्बुमिनस सेल्स होते हैं। चलो इतना रिवाइज कर ले फटाफट। फ्लोएम में ना चार किस्म के सेल्स हैं। ओके, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म में चारों किस्म के सेल्स होंगे। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, जिम्नोस्पर्म में पहले दो एब्सेंट है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। सीव ट्यूब्स के बजाय उनमें सीव सेल्स होता है और कंपेनियन सेल्स के बदले उनमें अल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं बेटा, ये याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर और छोटी छोटी बारीकी वाले पॉइंट्स पकड़ते हैं बेटा। अब ये चार में से जो फ्लोएम फाइबर है ना बेटा, ये डेड टिश्यू है बेटा। इसमें जितने भी सेल्स है ना, सबके सब डेड है, और बाकी तीनों भी वैरायटी लिविंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। देखो जाइलम में कैसा था ना, जाइलम में उल्टा था। जाइलम में सारे के सारे डेड थे, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो था ना वो लिविंग था। अब फ्लोएम में कैसा है ना कि सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है ना वो डेड है, बाकी सब के सब लिविंग होते हैं बेटा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं तुमको है ना ये चारों भी डिटेलिंग सिखाऊं, बड़ा बड़ा इंग्लिश बोलूं, सुन के फैंसी लगे, कान को ठंडा लगे पर समझे कुछ नहीं, उससे बेहतर है कि पहले हम डायग्राम पे अटैक करें। डायग्राम एक बार देख लिया, समझ लिया ना, तो गेम ओवर। पिक्चर उधर ही खत्म, थिएटर उधर ही खाली। ओके चलो देखते जाओ ध्यान से। सो अब ना हम लोग पहले फ्लोएम के ये चारों भी किस्म के सेल्स को ड्रॉ करते हैं बेटा। चालू करेंगे सीव ट्यूब से। देख बहुत ही आसान है, डायग्राम भी तू देखते जा बेटा। अब सीव ट्यूब्स का कैसा होगा ना बेटा, पाइप की तरह होते हैं। देखो ये क्या है ना, ये सब वेसल्स है। मैं मेरे पिछले लेक्चर से तुमको यही सिखाता जा रहा हूं कि तुम देखोगे तो तुम्हारे घर में वॉश बेसिन का पाइप अलग है, किचन का पाइप अलग है,
बिल्डिंग के बाहर का पाइप अलग है, गटर का पाइप अलग है, सब सेम मटेरियल का थोड़ी बना होता है, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। तो ये सबके सब पाइप है बेटा, ओके, जैसी जरूरत वैसा स्ट्रक्चर वहां पे बेटा, ओके। सो ये एक सीएफ ट्यूब है। अब इसके ऊपर मैं दूसरा सीएफ ट्यूब बना रहा हूं बेटा, इसके नीचे तीसरा सीएफ ट्यूब बना रहा हूं। अब ये जो सीएफ ट्यूब है ना, ये लोग इस ओवल शेप स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसमें ना खंडे होते हैं छोटे छोटे, इंग्लिश में इसको परफोरेशंस बोलते हैं, ओके, राइट, फाइन। नेक्स्ट, सबसे स्पेशल बात, ये जो सेल है ना सीव ट्यूब के तीन, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, साइटोप्लाज्म बहुत पतला सा होता है और वैक्यूल होता है, तो इसके अंदर हम लोग और कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे। ये हो गए सीव ट्यूब्स। अब इसके बाजू में जो सेल्स इसको कंपनी दे रहे हैं, कंपनी देना, अकंपनी नहीं, इंग्लिश में बोलते ना अकंपनी मी टू द ऑफिस, ऑफिस तक साथ निभा यार, साथ निभाना साथिया, ओके, सो कंपनी देना यानी साथ निभाना। अब सीव ट्यूब्स का साथिया कौन है, उसका साथ कौन निभा रहा है, तो आजू बाजू में जो सेल्स उसका साथ निभा रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। तो उसको ड्रॉ करें बेटा कंपेनियन सेल्स को, ये देखो, ये हो गया एक कंपेनियन सेल, ये हो गया दूसरा कंपेनियन सेल, I am very much fond of diagrams, sir. It is always a quality of all lovely bio students that they have ability to draw very nicely, and second, they are very artistic and creative people. Their handwriting is also very good. I hope my handwriting is good, but in my clinic I don't write like this. Clinic mein doctors writing, udhar ghasidne ka, okay. So, ये जो हो गया ना बेटा, these are companion cells. Companion cells की खास बात ये होती है बेटा कि उनके पास न्यूक्लियस भी होता है, तो मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर दूं, और उनमें ना डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म टेक इट एज सेम ओनली इन दिस चैप्टर, ओके, सो घना साइटोप्लाज्म इनके पास, चलो ठीक है। तो ये हो गए companion cells। अब बचा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ होगा बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इसके भी बाजू में होगा, तो चलो लेट्स ड्रॉ फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा ड्रॉ करना है बेटा, और उस तरीके से इसको फिलअप कर देना है। अच्छा बेटा, जैसे ये एक सीव ट्यूब है तो ये भी सीव ट्यूब है, राइट, तो इसके बाजू में भी कंपेनियन सेल होगा यहाँ पे आधा, बाकी ऊपर का आधा हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे बेटा, तो दीज आर ऑल्सो कंपेनियन सेल्स, इसका भी कंपेनियन सेल होगा नीचे की तरफ आधा, राइट, उनमें भी उनका न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, राइट। अच्छा, अब बाजू में जो हम लोग ने सेल्स बनाए ना, वो सब के सब फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, इनके पास भी अपना न्यूक्लियस होता है बेटा सबके पास, तो सब में वी विल ड्रॉ न्यूक्लियस। एंड अलोंग विद न्यूक्लियस इवन दे विल शो प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोले तो टिकली टिकली, टिकली टिकली बोले तो टिकली टिकली ओनली, चल देखते जा। राइट, ओके। अब इसके अलावा जो सपोर्टिव फाइबर्स आजू बाजू में होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स, बट दिस इज द बेसिक डायग्राम बेटा,
ओके अब ये जो पूरा सेटअप है ना बेटा, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके राइट। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये खाने को ऊपर की तरफ कंडक्ट करता है बेटा। ये जो डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ किया है, दिस इज एल एस, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लोएम। यानी अगर एक पाइप को हम लोग खड़ा खड़ा कट करें तो पाइप दो पार्ट में ओपन हो जाएगा। अब ये हिस्से को हटाओ तो उसका जो पीछे का हिस्सा होगा ना बेटा, ओके पीछे का पूरा हिस्सा वो ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, अब टेक्स्ट बुक्स में हम लोग क्या देखते हैं, टेक्स्ट बुक में हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर ना फिर ऐसा ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अब ये इसके अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना वो है, यानी सुक्रोज है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब बेटा। तब जाके फिर ये डायग्राम एकदम भरा भरा सा लगता है, राइट। चलिए ये डायग्राम का नेमिंग करते हैं बेटा। तो आजू बाजू के ऑरेंज सेल्स कौन से सेल्स थे बेटा? दीज वर फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ओके। एकदम बीचों बीच में कौन सा सेल बनाया बेटा हम लोग ने? सीव ट्यूब। आजू बाजू में जो दो सेल बनाए बेटा वो कौन से हैं? कंपेनियन सेल्स, राइट बेटा। अच्छा फाइन, अब एक बात याद रखो, ये जो हम लोग ने बनाया ना, जो दो सीव ट्यूब्स को जोड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ परफोरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स। सीव का मतलब होता है छन्नी, छन्नी नहीं आता छानने के लिए, वो यूज करते हैं ना हम लोग करवा चौथ में, ऐसा चांद को देखता है, फिर ऐसा हस्बैंड को देखता है, हस्बैंड स्माइल करता है, राइट, वो छन्नी, राइट। सीव उसमें कैसे जाला रहता है ना बेटा, ओके। सो ये ना जाले की तरह है, वो छन्नी में कैसे जाले की वजह से और नेटवर्क की वजह से छोटे छोटे होल्स नजर आते हैं बेटा, और उसके थ्रू सब कुछ छान सकते हैं। सो ये भी छन्नी की तरह बेटा, इसलिए इसको सीव प्लेट्स बोलते हैं, और इन सेल्स को हम लोग सीव ट्यूब बोलते हैं बेटा, ओके फाइन। सो ये जो है ना, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, और यू कैन से वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लोएम। अब इसी का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखते हैं बेटा। अब सेम चीज चालू करेंगे सीव ट्यूब से। सो सबसे पहले व्हाट वी विल ड्रॉ इज सीव ट्यूब। सो लेट अस से यहां पर पॉलीगोनल शेप सेल्स बनाएंगे बेटा, चल जाएगा, मतलब मल्टीपल सरफेस बनाना है तुझे, इसको डबल कर दे, ओके। तो ये हो गया सीव ट्यूब, यानी ये सीव ट्यूब का ना, ये ही सेल को जिसको तू ये व्यू से देख रहा है, ये पाइप को, अब सोच वो पाइप को तू ऊपर से देख रहा है, यानी वो उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, तो तेरे को सीव ट्यूब दिख रहा है। अब सीव ट्यूब के आजू बाजू में कंपेनियन सेल्स है बेटा, तो लेट अस ड्रॉ कंपेनियन सेल्स। और एक कंपेनियन सेल्स नीचे की तरफ, स्टूडेंट्स, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, सीव ट्यूब के पास तो न्यूक्लियस नहीं है, पर कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, सो दोनों के अंदर हम लोग न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, और दोनों के अंदर टिकली टिकली, टिकली टिकली बोले तो टिकली टिकली नहीं, साइटोप्लाज्म, ध्यान दे, फालतू बात मत कर, राइट, ओके फाइन। नाउ वी आर डन विद दिस। अब इसके अलावा हम लोग ये सीव प्लेट्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी पॉलीगोनल शेप ड्रॉ करते हैं,
अब सी प्लेट्स क्या होता है बेटा, सी प्लेट्स छन्नी की तरह होता है ना, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं बेटा, तो इसमें ना मल्टीपल छोटे छोटे होल्स ड्रॉ कर देते हैं और सबको डबल कर देता हूँ बेटा। देखो जो डायग्राम वाला पार्ट है, इफ यू फील द वीडियो इज रनिंग स्लो तो इसको ना तुम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ओके देख सकते हो बेटा, बट एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ना कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूं बेटा, ओके राइट। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर सी प्लेट्स। अब बचे आजू बाजू के जो सेल्स है ना, वो पैरेन्काइमा के सेल्स है बेटा। सो पैरेन्काइमा के सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब पैरेन्काइमा के सेल्स बनाने के लिए बहुत ईजी है, रैंडमली ना तुम हेक्सागन शेप या तो फिर पॉलीहेड्रल शेप बनाओ बेटा। मस्त रंगोली जैसा बनता है, बट ये क्या दिवाली का रंगोली नहीं है, बायो का रंगोली। दिवाली में ऐसा रंगोली बनाएगा ना, लोग दरवाजे से ही भाग जाएगा, बोलेगा कि कोई साइको रहता है यहाँ पर, उसको बोलेगा साइको नहीं है, बायो लवर है। हम बायो वाले होते ही ऐसे हैं। ऐसा ना बेटा, इसको सब तरह से कवर करना पड़ेगा। सो दीज आर फ्लोएम पैरेन्काइमल सेल्स बेटा। अब बाकी का जो शेप है, सेकेंड लेयर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग बेटा, विच इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन प्रोसीड एनी हाउ। अच्छा अब ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है, जैसा कि रूल कहता है सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, सी आई एम ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ज्यादा फास्ट करूंगा ना तो घसीट लूंगा डायग्राम है ना, फिर बहुत खराब लगेगा, पोस्टमार्टम लगेगा डायग्राम का, ओके राइट। सो इफ यू विश यू कैन जस्ट इंक्रीज द स्पीड राइट वीडियो में, और फिर आगे का सेक्शन तुम देख सकते हो बेटा। तो ये सबका न्यूक्लियस ड्रॉ किया जा रहा है। ऑलराइट चलो ठीक है, डायग्राम तो रेडी हो गया, अब डायग्राम का नामकरण करते हैं राइट। डायग्राम बहुत प्यारा बच्चू जैसा है, उसका बारसा रखा है, उसका नामकरण करते हैं, लेट्स नेम इट। ये जो बीच वाला सेल है ना बेटा, ये भाई साहब कौन है, ये है सीव ट्यूब। इसके आजू बाजू में जो दो सेल्स है वो उसको कंपनी दे रहा है, सो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कंपेनियन सेल राइट। फिर ये जो पूरा का पूरा छन्नी जैसा है बेटा, दिस इज सी प्लेट राइट। और आजू बाजू में जो व्हाइट कलर के सेल्स है सबके सब, ये क्या है, दीज आर पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ फ्लोएम। So, parenchyma cells of phloem, that is phloem parenchyma. और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ फ्लूएम। ओके चलो बच्चों, ये तो हो गया डायग्राम, अब इसको ना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ के लेते हैं। ओके लेट्स से ये पूरा पेड़ मैंने बाहर निकाला, ये है पेड़ जमीन के अंदर। सर आप पेड़ उखाड़ लिया, बाहुबली चुप रहे, मजाक मत कर, देखते हैं ये पूरा पेड़ ठीक है। अब है ना लीफ में खाना बन रहा है, तो लीफ हुआ उसका सोर्स एंड
वो खाना सिंक एंड यानी समझो रूट्स की तरफ सप्लाई करना है, तो इसके अंदर पाइप होगा जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, राइट। तो इस पेड़ में से जो पूरा पेड़ है ना, दिख रहा है थ्री डायमेंशनल, इमेजिन कर रहा ना मेरे साथ, इमेजिन कर रहा बेटा, राइट। अब इस पेड़ के अंदर ना ये जो पाइप है, राइट, दिस पाइप इज कॉल्ड एज फ्लोएम। तो पेड़ के अंदर से ना फ्लोएम निकाल लेते बाहर, पेड़ हटाओ पूरा, अब हमारे पास सिर्फ फ्लोएम है, ये रहा वो पाइप, दिख रहा है बेटा, ओके, मन की आंखों से देखो। अच्छा, अब ये पाइप के अंदर किस तरह से ये सेटअप प्रेजेंट रहता है ना, वो हम इमेजिन करें, राइट। मुझे एक जरा पेज देना तो ये आसान हो जाएगा, हाँ ये पेज भी चल जाएगा, चलो ठीक है। पाइप रखा है तुम्हारे सामने बेटा, चलो बना लेते पाइप। राइट, नाउ बेटा लेट अस इमेजिन दिस इज द पाइप, ये है फ्लोएम, इसका काम है खाने को लीफ से ट्रांसपोर्ट करने का और नीचे रूट को और बाकी के हिस्सों को देने का। पर ये फ्लोएम के अंदर कैसे ये अलग अलग तरह के सेल से क्या सेटअप है, एग्जैक्टली ये प्लांट में कैसे प्लेस्ड है, वही तो समझना है, वही तो बायो को बना देता है, बायो, यो यो बायो, ओके, राइट। तो अब इस पूरे पाइप को हम लोग खड़ा खड़ा कट करते हैं, खड़ा खड़ा। अब मैं इसको यूं कट करूंगा बेटा, सो ये पाइप दो हिस्सों में कट जाएगा ना, अपर सरकमफ्रेंस हाफ एंड लोअर सरकमफ्रेंस का हाफ, बराबर बेटा। तो इसको खड़ा खड़ा कट करते हैं, तो ये पाइप कट गया सर, कट गया, कट गया, ओके, ऐसा पूरा पाइप था, कट किया, आगे का हिस्सा में निकाल दे रहा हूं, रख दिया भाई, पीछे का हिस्सा तू देख रहा है, दिख रहा है पीछे का हिस्सा बेटा, राइट। अच्छा, अब मैंने इसको खड़ा खड़ा कट किया ना, यानी मैंने उसको लेंथ वाइज कट किया, आई एम रनिंग द सेक्शन अलोंग इट्स एंटायर लेंथ, इसलिए इसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बोलते बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल सेक्शन। अच्छा, अब वर्टिकल सेक्शन में ये पाइप का पीछे का आधा हिस्सा है बेटा। अच्छा, अब ये पीछे के आधे हिस्से को मैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से मोड़ देता हूँ, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से फैंसी चलते, चल बाबा मोड़ जा रहे, ओके। अब इसको देखो, लग रहा है ना बीच वाले की तरह, सीव ट्यूब्स की तरह, राइट, ओके। तो ये एक हो गया सीव ट्यूब, इसके ऊपर और एक सीव ट्यूब रहेगा, इसके नीचे और एक सीव ट्यूब होगा, सुन ध्यान से। अब ना हमारे घर में वो छन्नी नहीं होती है, वो छन्नी का गोल जाला निकाल लेता हूँ, और छन्नी का गोल जाला इधर रख दिया, या तो समझो वो बाथरूम में शावर होता है ना बेटा, पूरा का पूरा खड्डा खड्डा जिसमें से पानी आता है, वो शावर निकाल दिया, वो शावर को इधर रख दिया, ठीक है, और एक शावर को यहाँ रख दिया, यानी यहाँ पूरा गोल डिस्क है जिसमें खड्डे खड्डे छन्नी जैसा, शावर जैसा, गोल डिस्क है जिसमें येलो येलो खड्डे खड्डे बेटा, राइट। सो यू कैन इमेजिन ये सीव ट्यूब है, इसके ऊपर ये सीव प्लेट है, इसके नीचे सीव प्लेट है, जो सीव ट्यूब को एक के नीचे एक पाइपलाइन की तरह जोड़ते जा रहा है, समझा नहीं समझा, ध्यान ध्यान। अच्छा, अब इसके बाजू में तू सोच रहे यहां पे ऐसा स्पिंडल शेप दो सेल है, ये वाला येलो वाला, राइट। तो यहां होगा एक कंपेनियन सेल, यहां दूसरा कंपेनियन सेल, और उसके बाजू में रेक्टेंगुलर शेप और सिलिंड्रिकल शेप लंबे लंबे सेल से जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी ये पूरा जो पाइपलाइन है अब इसी का आगे का हिस्सा होगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा हमको कैसे नजर आता है, दिस जस्ट अपीयर्स लाइक अ ट्यूब, साधारण गांवी भाषा में हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम इज अ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू मींस इट्स अ वेसल, वेसल मींस इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। अब इसी का हम लोग करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी यही जो पूरा सेटअप तू देख रहा है ना, अब इसको यू कट कर, अब जब तू इसको यू कट करेगा ना, राइट, तो इसका जो कट एंड रहेगा, ये पाइप तो पूरा कंटिन्यूस, समझे, यू कट किया, ये गया इसका ट्रांसवर्स सेक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो ये ऊपर का पार्ट हटाओ। अब ये हिस्से को तू देख रहा है, अब जब तू ये हिस्से को देखेगा तो जो सीव ट्यूब था वो सीव ट्यूब तुझे नजर आएगा, यानी अभी अभी हम लोग जो सीव ट्यूब देख रहे हैं, ये सीव ट्यूब है, इसके बाजू में कंपेनियन सेल है, एक कंपेनियन सेल यहां पर, एक कंपेनियन सेल यहां पर, और जब इसको ऊपर से देखोगे तो सीव ट्यूब नजर आएगा, एक कंपेनियन सेल यहां पर, एक कंपेनियन सेल यहां पर, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल यहां पर, कंपेनियन सेल यहां पर, बराबर।
अच्छा फिर यही सेटअप के बाजू में और एक सीव ट्यूब भी होगा, और जरूरी थोड़ी कि देखो इसका सीव प्लेट यहां पर है और दूसरा वाला जो है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अब बेटा इसको देखो, ठीक है, इसका छन्नी, इसका शावर कहां होगा, यहां ऊपर और नीचे, राइट, फिर इसके ऊपर ऐसा और एक जुड़ता है और एक जुड़ता है, तो वैसे इसके बाजू में भी तो होगा ना बेटा, पर जरूरी थोड़ी कि दे विल गो पैरेलल, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मे बी एक सिचुएशन होगा कि ऐसा होगा, सो दैट ये बाजू वाले का शावर उसका छन्नी यहां पर आएगा, राइट। नाउ व्हेन आई टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन, यहां से अगर कट किया तो मेरे को इसका सीव प्लेट नजर आएगा, राइट, और प्लस बाजू में ये वाला सेल नजर आएगा, दैट इज सीव ट्यूब, और इस सीव ट्यूब के बाजू में यहां पर एक कंपेनियन सेल, यहां पर कंपेनियन सेल, और बाकी बचा फ्लोएम पैरेन्काइमल सेल्स होगा। समझा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ फ्लोएम। अब ना बेटा कैसे है ना कि आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने ना डायग्राम में ही निपटा दिया, राइट, वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द डायग्राम इटसेल्फ। Now what we are left on with is just formality. जो points हमने diagram में देखा है ना, वो points को अभी हम लोग theory के तरह से finish कर लेते हैं। Now starting with sieve tube. Sieve tube में तुमने क्या देखा बेटा? Sieve tubes are elongated, लंबे हैं, और tube की तरह structure है ना, so I will say they are elongated tube-like structure. Next. How are they placed? They are placed longitudinally. Longitudinally. नली छोड़, इंग्लिश छोड़, लंबाई के अनुसार एक के नीचे एक रखा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं placed longitudinally. ये याद रखो। अच्छा दूसरी बात, इसके आजू बाजू में क्या दिख रहा है? Companion cells, तो वो लिखना है। So the next point says they are associated with कंपेनियन सेल्स। अच्छा फिर उसके बाद उसके ऊपर नीचे क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? सी प्लेट ना, देख ये एक सी प्लेट है और यहां दूसरा सी प्लेट है बेटा, और ये सी प्लेट्स कैसे होते हैं? ये सी प्लेट्स परफोरेटेड होते हैं बेटा, और ये सी प्लेट्स की वजह से दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, राइट, एक एंड हुआ दूसरा शुरू हुआ, ये एंड हुआ फिर तीसरा शुरू हुआ, सो दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ सी प्लेट्स विच आर परफोरेटेड। ऑलराइट मूविंग ऑन, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखा क्या तेरे को? नहीं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? सीव ट्यूब में देयर इज नो न्यूक्लियस, ओके बेटा, राइट। अच्छा दूसरा साइटोप्लाज्म होता है क्या? बहुत पतला, थिन साइटोप्लाज्म, ओके, विच इज पेरिफेरल इन पोजिशन, एंड न्यूक्लियस नहीं होता है बट वैक्यूल होता है बेटा, दे हैव लार्ज वैक्यूल, इतना याद रखना। नेक्स्ट, ये सीव ट्यूब को कौन चलाता है? आजू बाजू के कंपेनियन सेल्स के जो न्यूक्लियस है ना, वो इसको कंट्रोल करते हैं। सो व्हाट वी विल राइट इज, इनका जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, शॉर्ट में लिखा बेटा, ध्यान दे, ओके। सो द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स ही इनको चलाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट अस गो टू कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स नंबर वन, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, सो दे आर स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड
विद सीव ट्यूब्स, यानी सीव ट्यूब्स से जुड़े हैं बेटा, बाय कॉमन पिट्स ऑन देयर लैटरल लॉन्जिट्यूडिनल वॉल्स। बहुत भारी इंग्लिश बोल दिया बेटा यहां पर। इसका मीनिंग कैसा मालूम है? ये देख, ये एक सीव ट्यूब है, ओके, और ये उसके बाजू का कंपेनियन सेल है। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि यहां पे खड्डा है, इन खड्डे को हम लोग बोलेंगे पिट्स। देखो एक बात समझ लो इस चैप्टर में, ये खड्डे को हम लोग को पिट्स बोलना है। सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा के बीच में। अब ये कंपेनियन सेल है राइट, इसके बाजू में समझो एक पैरेन्काइमा वाला सेल है, ओके, तो इनमें भी पिट्स है। अब यहां समझने वाली बात ये है बेटा कि दो सेल के बीच में, समझो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये दो सेल के बीच में जो खड्डा है, राइट, यू कैन सी दिस वाला पार्ट इन बिटवीन दीज टू सेल्स, फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच में, उसको हम लोग पिट्स बोलेंगे। और वो पिट्स की मदद से क्या होता है ना, फर्स्ट सेल एंड द सेकंड सेल का साइटोप्लाज्म कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन इसको, ओके, जो पहला सेल है और दूसरा सेल है, ये दोनों सेल को जो खड्डा जोड़ता है, जैसे ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये दोनों को ये खड्डा जोड़ रहा है, सो इस खड्डे को, यानी यहां पर ये जो पूरा खड्डा है, इस खड्डे को हम लोग बोलेंगे पिट्स। और वो खड्डे के अंदर से पहले सेल का साइटोप्लाज्म, समझो ये साइटोप्लाज्म है, ये पहले सेल का साइटोप्लाज्म और ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म का जो थ्रेड है जो दोनों को जोड़ रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अगर तुमको इमेजिन करना है, मैं वापस से पेपर पे आता हूं बेटा, ये देखो, ये जो है ये है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, थोड़ा हमारे डायग्राम की तरह इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं बेटा, राइट, सो दिस इज द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब सोचो यहां पर एक कंपेनियन सेल है और यहां पर एक कंपेनियन सेल है, और सोचो अगर मैंने पेपर में से होल कर दिया, यहां पर खड्डा कर दिया, सो खड्डे को मैं क्या बोलूंगा, पिट्स। फिर मैं बोलूंगा ना कि एक खड्डे के वजह से ये सेल का कंटेंट आजू बाजू के कंपेनियन सेल में जा सकता है, तो इधर और इधर जो खड्डा है उसको पिट्स बोलेंगे, और वो खड्डे में से इसका साइटोप्लाज्म जब धागे की तरह आर पार जाके इस सेल के साथ कम्युनिकेट करेगा, उस थ्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। इसीलिए बच्चों बायोलॉजी के हाईफाई लैंग्वेज में प्लाज्मोडेस्माटा को हम लोग साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोलते हैं, यानी ये कैसा है ना, साइटोप्लाज्म का पतला सा ब्रिज है जो दो सेल को जोड़े रखता है बेटा, और ब्रिज जिस खड्डे में से पास होता है ना, उसको हम लोग पिट्स बोलेंगे, राइट। चलो ठीक है, एनीवे एग्जाम में कोई तुमसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में बात करेगा ना, तो कैसा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, और नीचे मेरा नाम भी लिख देना कि कौन सिखाया, यो सर सिखाया, ओके। चल ध्यान दे, सो दे आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब बाय कॉमन पिट्स ऑन देयर लैटरल, लैटरल यानी साइड्स में, लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स, लॉन्जिट्यूडनल यानी लेंथ वाइज, ओके। चलो मूविंग ऑन, कंपेनियन सेल्स की दूसरी स्पेशल बात यह है कि कंपेनियन सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस and they have dense ghana cytoplasm yani protoplasm beta. Next companion cells ka function kya hai, companion cells will maintain pressure gradient, companion cells will maintain pressure gradient in sieve tubes, short pe likha, they will maintain the pressure gradient in sieve tube. अब ये हो गया बहुत भारी इंग्लिश, अरे
जबरदस्त, साल भर का इंग्लिश एक लाइन में आ गया, मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट एंड सीव ट्यूब। अब इसका एक्चुअल मीनिंग कैसा है मालूम है बेटा? ये देखिए, ये एक सीव ट्यूब, ये दूसरा सीव ट्यूब, ये तीसरा सीव ट्यूब। अब हम लोग स्कूल डेज से बेटा, राइट सिंस अवर अर्ली स्कूल डेज वी हैव बीन लर्निंग दैट एवरीथिंग फ्लोस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली, राइट? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वाटर इन अ यू शेप्ड ट्यूब, इट गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, विंड्स विल फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, राइट? उसी तरह से ये सेव ट्यूब में जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना, दैट फूड विल गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी जब खाना इस सेल से इस सेल में आएगा, सो इस सेल में हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यानी ये सेल के अंदर प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, इट शुड हैव हाई प्रेशर, और इसमें लो प्रेशर होना चाहिए। यानी इसके अंदर गर्दी बहुत होना चाहिए, तब जाके धक्का मुक्का मार के ये लोग यहाँ जो छन्नी है, जो यहाँ पर सी प्लेट है, उसमें से छन के ये सेल में आएगा ना बेटा। अब इसके अंदर इतना प्रेशर क्रिएट करने का काम किसका है? इसका जो कंपेनियन सेल रहेगा वो ना। तो कंपेनियन सेल इसके साथ पानी बाकी के कंटेंट को एक्सचेंज करता है, जरूरत पड़ने पे इसको ज्यादा कंटेंट देता है ताकि इसके अंदर का प्रेशर बिल्डअप हो और ये अपने कंटेंट को नीचे की तरफ दे दे बेटा, राइट? फिर यहाँ पे जो कंपेनियन सेल्स होंगे आजू बाजू में, वो इसको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देंगे ताकि इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, प्रेशर बढ़े, और फिर जाके कॉन्सेंट्रेशन का जब फर्क आता है, फर्क फर्क मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस यानी स्कूल में डिफरेंस भेदभाव कैसा करता था टीचर, ग्रेड देता था ना तुझे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कितना हमको बुरा लगता था। ए ग्रेड का स्टूडेंट मानो ऊंची जात हो गया, सी ग्रेड का स्टूडेंट यानी नीची जात हो गया, कोई बात नहीं करता था हमसे। बट हम अभी बायो स्टूडेंट हो गया, सब एक ही जात का है, हमारा जात, हमारा धर्म, हमारा रिलीजन क्या है? यो यो बायो, ओके? तो देख, ग्रेड यानी फर्क, तो प्रेशर का फर्क मेंटेन करता है, यानी सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर पैदा करता है। अब इसमें समझो अगर ज्यादा प्रेशर है ये वाले सीव ट्यूब में इन कंपेनियन सेल्स की वजह से, राइट? और ये कंपेनियन सेल्स क्या कर रहे हैं, इसका प्रेशर कम रख रहे हैं, और क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर है, इसमें कम प्रेशर, और ये फर्क, ये ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, तभी तो कंटेंट फ्लो हो पाएगा ना बेटा। जब ग्रेडियंट ही नहीं रहेगा, जब दोनों में प्रेशर इक्वल रहेगा, तो कंटेंट फ्लो नहीं होगा बेटा, वो तो बैलेंस्ड कंडीशन होगा। यू गेट इट? एनीवे, बहुत ज्यादा बायो हो गया पर बहुत अमेजिंग है बेटा, याद रखो, ओके? चलो लास्ट पॉइंट ये है कंपेनियन सेल्स का, कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम सेल्स, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स ना, इनका ओरिजिन एक ही सेल से होता है। इसीलिए एक पॉइंट ये है दैट डेथ ऑफ वन कॉजेस डेथ ऑफ अनदर, यानी अगर कंपेनियन सेल मर गया तो सीव ट्यूब भी मर जाएगा, या फिर अगर सीव ट्यूब मर गया तो कंपेनियन सेल भी मर जाएगा, क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है। कभी सुने हो किसी को बोलते हुए कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता? हाँ सर, सुना है, हीरो हीरोइन को बोलता है, हीरोइन हीरो को बोलती है हिंदी पिक्चर में। अरे वो सब छोड़, हिंदी पिक्चर छोड़, ये बायो पिक्चर है बेटा। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, हु सेड टू हूम, किसने किससे कहा? यह वाक्य सीव ट्यूब ने कंपेनियन सेल को कहा, और कंपेनियन सेल ने सीव ट्यूब को कहा, यह हमेशा याद रखना बेटा। Because both of them are derived from the same cell, that is the reason why death of one causes death of another also, because they are interdependent on each other for their functioning. Remember that, okay? चलो moving on, आगे बढ़ते हैं। Next, phloem parenchyma बेटा। Phloem parenchyma में सारे के सारे cells living होंगे, okay? ये cells भी थोड़े लंबे होते हैं, they are elongated. Some of them are cylindrical in shape बेटा, okay? नेक्स्ट, इनका सेल वॉल इज थिन, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, इनमें भी न्यूक्लियस होता है, सो आई राइट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म भी है बेटा, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, बोथ यू कैन कॉल इट एज, दैट्स ओके बेटा।
ओके नेक्स्ट पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है बेटा ये याद रखो कि दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट नेक्स्ट ये याद रखो इनका फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड खाने को स्टोर करते हैं रेजिन्स को स्टोर करते हैं और लेटेक्स को स्टोर करते हैं और बेटा म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं। अच्छा रेसिन क्या होता है रेसिन ना बेटा ये एक तरह का नेचुरल सिक्रीशन है यानी एक तरह का लिक्विड है जैसे हमारे शरीर से जैसे स्वेट है ऑयल है राइट ओके सलाइवा ये सब सिक्रीशंस निकलते हैं ना वैसे प्लांट से ना तरह तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं बेटा उसमें से रेसिन एक प्रोडक्ट है रेसिन का कैसा ना कि ये आजकल काम आता है फॉर वार्निश लकड़े के ऊपर पता है वो पेंट जैसा मारते हैं जिसकी वजह से लकड़ा चमकने लगता है ओके तो उसके ऊपर जो कलर मारते हैं ना वो रेजिन होता है बेटा और ये रेजिन हमको मिलता है प्लांट से। दूसरा रेजिन ना एडहेसिव के भी काम आता है यानी बहुत सारा चिकट चिकट गम बनाने के भी काम आता है बेटा ओके सो रेजिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर विच कम्स फ्रॉम प्लांट इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निश एंड फॉर मेकिंग एडहेसिव्स। लेटेक्स लेटेक्स भी हमको प्लांट से मिलता है और लेटेक्स को ही प्रोसेस करके हम लोग ना रबर नाम का जो प्लांट होता है ना रबर से हमको जो लेटेक्स मिलता है ना वो एक्चुअली हमको टायर वगैरह ये सब में जो रबर लगता है ना वो प्रोडक्ट देता है लेटेक्स। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री अ लॉट ओके सो रबर हो गया फिर उसके साथ साथ तुम जितने भी डॉक्टर्स के ग्लव्स देखते हो राइट ओके उसके साथ साथ अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के हिसाब से बात करें बेटा सो कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज कॉन्डम दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लेटेक्स ओके टायर्स एंड ऑल दोस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लेटेक्स सो दैट इज latex okay so here we'll write one common example it is used to make gloves and rubber। mucilage plant ka ek aisa padarth hai jo ekdam jelly ki tarah hota hai beta gaadha hota hai viscous bolte hain english mein okay aur ye tarah tarah ke na skin cream hai gel hai lotion se ye sab banane ke kaam aata hai beta। actually kaisa na ki jab bhi humko mucous membrane pe irritation hota hai yani samjho mere ko na skin ke upar or let's say suppose mere ko nostril ke andar नाक के अंदर है ना बहुत जलन हो रही है तो डॉक्टर हमको कोई ट्यूब लिख के देता है ओके लाइक किसी को यूरेथ्रा के अंदर किसी को एनस के अंदर अगर कोई ना कोई इरिटेशन ये सब सेंसेशन होता है ना तो डॉक्टर्स तुमको ना ट्यूब प्रिस्क्राइब करेंगे। वो ट्यूब के अंदर ना जो जेल होता है वो जेल प्लांट के म्यूसिलेज से बनता है और म्यूसिलेज क्या करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को शांत कर देता है और उसके ऊपर एक बैरियर का काम करता है। एनीवे दैट बिकम्स टू डिटेल इतना नहीं एग्जाम में पूछेंगे तुझसे They will just ask you कि क्या क्या स्टोर करता है तो फूड स्टोर करता है रेजिन स्टोर करता है लेटेक्स और म्यूसिलेज स्टोर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइम और जैसे मैं स्क्लेरेन्काइमा बोल रहा हूं तेरे मन में तो आ रहा है ना कि दीज आर डेड टिश्यू। व्हाई दे आर डेड टिश्यू बिकॉज इन द सेल वॉल बहुत थिक होगा बेटा द सेल वॉल इज वेरी थिक। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल में कौन सा मटेरियल मिलेगा तुमको लिग्निन ये याद रखो। अच्छा दूसरा दीज आर आल्सो एलोंगेटेड लंबे लंबे होते हैं सो दीज आर एलोंगेटेड फाइबर्स विथ नीडल लाइक अपाइसेस। क्या इंग्लिश बोला नीडल लाइक अपाइसेस सुई की तरह उसका छोर उसका एंड अपेक्स ऐसा एकदम मोटा से पतला 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 ओके एकदम कांटे जैसा हो जाएगा सो उसको मैं बोलूंगा नीडल लाइक अपाइसेस। एनीवे सिंपली क्या कहने की कोशिश की जा रही है दैट दे बिकम नैरो दे आर टेपरिंग फ्रॉम आइदर एंड्स ओके एंड दीज आर अनब्रांच्ड। फ्लोएम फाइबर्स में तीन फाइबर्स याद रखो जूट फ्लेक्स और हेम ये तीन फ्लोएम फाइबर्स दे आर यूज्ड कमर्शियली। ये तीनों का ना कमर्शियल इंपॉर्टेंस है कमर्शियल इंपॉर्टेंस यानी उससे ना आमदनी होती है पैसा होता है व्यवसाय बिजनेस धंधा होता है बेटा ओके। जूट
फ्लेक्स और हेम्प, ये तीन है ना फाइबर्स हमको प्लांट्स से मिलता है, और ये जो फाइबर्स है ना इसके मदद से तरह तरह के है ना मटेरियल बनते हैं, जैसे कि बेडशीट हो गई, ओके, जैसे कि अगर गोनी है राइट, कांदा बटेटा ये सब जिस थैले में भरा जाता है ना, वो सब का सब रस्सी है, ओके, सुतली है राइट बेटा, वो सब का सब मैट्रेस है, बेडशीट्स है, पिलो कवर है, ये सब है ना इन फाइबर्स से ही बनता है, बिकॉज ये सारे के सारे फाइबर्स है और ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं बेटा, ओके। चलिए मूविंग ऑन, अब आते हैं लेक्चर के आखिरी मोड पर बेटा। फ्लोएम का डेवलपमेंट के हिसाब से दो टाइप, ओके, द फ्लोएम विच इज फर्स्ट फॉर्म्ड जो पहले बन जाता है ना उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, एंड द फ्लोएम विच इज फॉर्म्ड लेटर जो बाद में बनता है ना उसको हम लोग बोलेंगे मेटाफ्लोएम, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फ्लोएम, द फर्स्ट फॉर्म्ड इज प्रोटो एंड द वन विच इज फॉर्म्ड लेटर। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में इस बार में काफी डिटेल में डिस्कस किया था बेटा कि जाइलम में भी जो पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम, सेम रहेगा यहां पर बेटा। अच्छा, जो प्रोटोफ्लोएम होता है ना वैसे ही, जैसे प्रोटोजाइलम था तो प्रोटोफ्लोएम, मेटाजाइलम था वैसे ही मेटाफ्लोएम, जो पहले बना और जो बाद में बना। प्रोटोफ्लोएम जो होते हैं ना बेटा, ओके, इनमें व्हाट यू फाइंड इज कि जो सीव ट्यूब्स है ओके, उसी का फर्क रहता है दोनों। प्रोटोफ्लोएम में द सीव ट्यूब इज नैरो एंड मेटाफ्लोएम में द सीव ट्यूब्स आर बिगर, ये याद रखो बच्चों। अच्छा, अदर देन दैट वन मोर एमसीक्यू दैट यू कैन रिमेंबर इज फ्लोएम फाइबर्स में, ओके, दैट इज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, दीज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा यू विल फाइंड ओनली एंड ओनली इन सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर्स दैट इज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। सो वेल बच्चों, ये है कहानी फ्लोएम की। I request you to take मस्त वाला एक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्लियर, डन, ऑल राइट बच्चों। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लोएम। पिछले लेक्चर में हमने जाइलम डिस्कस किया था, इस वाले लेक्चर में हमने फ्लोएम का कर दिया स्वाहा। आने वाले लेक्चर में और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स काफी सिस्टमैटिकली तुमको सिखाए जाएंगे। सिर्फ एक चीज चाहता हूं तुझसे कि प्रॉपरली इसका नोट्स बना, मन लगा के पढ़ाई कर, तेरी किस्मत बदलने वाली है अगर तेरी मेहनत सच्ची है, क्योंकि तू डॉक्टर बनने वाला है, ओके। सो शो लॉट्स ऑफ लव टू बायोलॉजी, बायोलॉजी विल शो लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड इट विल चेंज योर लाइफ। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो।